बाबू एक चीज देखो, हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं आप लोग को। देखिए एक ड्रम है या पुली है, ये हेड पुली या आप बोल सकते हैं इसको ड्राइव पुली। इसके नीचे में देखिए यहां पर एक और पुली लगा है। क्या लगा है? एक पुली और लगा। इसी पुली को बोलते हैं, ये पुली नहीं एक्चुअली रोलर होता है, स्नब पुली। क्या बोलते हैं? ये जो ड्राइव पुली के जस्ट नीचे में एक रोलर है या पुली है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्नब पुली। उसका भी हम बता रहे हैं आपका क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है। ये देखिए इस टाइप का स्नब पुली रहता है, जो मेन पुली के नीचे या ड्राइव पुली के नीचे में जो पुली दिखा रहे थे, जो फिल्म में नहीं, आपको फोटो में नहीं दिख रहा था, इस टाइप का रहता। उसको एक बार फिर से हम दिखाते हैं। जो अभी हम पुली आपको अलग से दिखा रहे थे, वो ये वाला पुली, इस टाइप का पुली रहता। यहां पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। और ये जो ये वाला जो है आपका ड्राइव पुली है या हेड पुली है, बेल्ट ऊपर से गया, नीचे से फिर बेल्ट जा रहा। देखिए इससे क्या फायदा हुआ? एक तो ये फायदा हुआ, ये बीच में स्नब पुली, ड्राइव पुली के एकदम पास में स्नब पुली लगाने से बेल्ट का कांटेक्ट जो है इस ड्राइव पुली या ड्राइव ड्रम के साथ पूरी तरीके से, बेल्ट स्लिप नहीं होगा, बेल्ट स्लिप नहीं होगा, ब्रेक डाउन कम हो जाएगा। दूसरी बात, कांटेक्ट एंगल बढ़ा देता है ये स्नब पुली लगाने से। क्या होगा? बेल्ट और ये ड्रम, मतलब जो आपका ड्राइव पुली है उसके बीच का कॉन्टेक्ट एंगल, जिसको रैप एंगल बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। और ये बढ़ जाने से बेल्ट पे टेंशन भी कम आता है, यही इसका फंक्शन है। तो अब देखते हैं यहां पर, देखिए इन अ बेल्ट कन्वेयर सिस्टम फंक्शन ऑफ स्नब पुली इज टू। बहुत बच्चा लोग भेज जाता तो बोला कि देख ही लिया जाए। तो ये तो उसके मोटा मोटी फंक्शन, लेकिन एक और बात हम बता दे, यदि इसी स्नब पुली को यदि आप बेंड पुली के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंड पुली क्या करता है? बेल्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है। बेंड पुली बेल्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो किस पर्पज से लगाया है? अभी हम यहां पे ये जो पुली लगा है, ये काहे के लगाया है कि बेल्ट और आपका जो ड्राइव पुली है या ड्राइव ड्रम है या ड्राइव या हेड पुली बोलिए, उसका और बेल्ट कन्वेयर के बीच का जो वाइंडिंग एंगल है, या जिसको रैप एंगल बोलते हैं या जिसको कांटेक्ट एंगल बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाए, एक। और दूसरा, बेल्ट स्लिप नहीं होगा, बेल्ट एकदम कांटेक्ट में रहेगा। ये दो फंक्शन है स्नब पुली के, स्नब पुली के इंक्रीज एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसको रैप एंगल भी बोलते हैं, ऑफ द बेल्ट विद द ड्राइव ड्रम। ये ड्राइव ड्रम बोलिए, ड्राइव पुली बोलिए, हेड पुली बोलिए, एक ही बात, एक ही फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन होता है इसने पुली का, टू प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ बेल्ट। ठीक है, इतना ही है, बहुत बड़ा चीज नहीं है।